इस वक्त मैं मदरहा घाट में हूँ और दोपहर में खबर आई कि किस तरीके से यहाँ पे एक भीषण हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से शाम होते हुए भी यहाँ पे कितनी भीड़ जुट गई है। वजह है कि सबके चेहरे पे मायूसी है, सब सोच रहे हैं कि वे कैसी घड़ी थी जिस समय ये हादसा हुआ और कैसे पूरा ये चीज़ें, पहले जानकारी क्या है वो ले लेते हैं कि क्या इस समय स्थिति है। तो हालांकि आपको SDRF भाई, एक मिनट आपसे जानकारी पूछना चाहते हैं, क्या नाम है भाई? सूरज सहानी। इसी गांव के? हाँ। क्या हुआ, कैसे ये सब हादसा हुआ, क्या चीज़ें? ये मतलब जा रहे थे लोग नदी में, मतलब सहरा था, शादी विवाह होता है तो मतलब पूजा पाठ लोग करते हैं नदी में, तो लोग गए। तो मतलब पूरा एक ही परिवार था या अलग अलग परिवार? अलग अलग घर से लोग थे, मतलब चार पांच छह लोग एक परिवार से थे और दो तीन लोग मतलब अलग परिवार से थे। तो दो लोग नाव चला रहे थे और बाकी लोग सब बैठे थे, इधर से तो चले गए, उधर से आ रहे लोग तो मतलब नाव में उधर से पानी मतलब लेने लगी नाव में, इधर ही आस्था हुआ ऐसा। कौन कौन अभी है स्थिति, क्योंकि अभी SDRF वहाँ पे लगी हुई है, किसको ढूंढा जा रहा है अभी? ओ शिवम है और एक चिंता देवी है। चिंता मतलब, देवी और शिवम को ढूंढा जा रहा है, अभी कुछ भी पता नहीं चला? अभी कुछ पता नहीं है उन लोगों का, मतलब मिले हैं अभी, मिले नहीं है। हम लोग खोज के फिर थक गए, तो ये लोग फिर मतलब आए। तो कितने बजे की घटना है? एक बजे की, डेढ़ बजे की मतलब है, डेढ़ बजे की घटना है और तब से पूरा गाँव मिलकर ढूंढ रहा है। SDRF को फोन किया गया, पुलिस प्रशासन को फोन किया गया, आधा एक घंटा बाद वो लोग आए। कितने लोगों की मृत्यु हुई भाई? अभी तीन लोगों की, तीन लोगों की, बाकी लोग आठ नौ लोग मतलब बच गए। अच्छा, जो बचे हैं तुरंत हॉस्पिटल में ले? हाँ, उन लोगों को तीन चार लोगों को हॉस्पिटल में लेके गए। सभी लोग इसी गांव के थे? हाँ, या कुछ सभी लोग रिश्तेदार में मतलब थे लोग, तो मतलब एक ICU में भर्ती है। अच्छा, अच्छा। और बाकी मतलब सही सलामत है, दो तीन लोग सही सलामत है। हम शिवम के घर गए थे तो लोग कहना है कि अभी ये SDRF ढूंढ रही है। हाँ, तुम अभी मिले नहीं है वो? हमेशा ऐसा होता रहता है मदर, कभी कभार मतलब ऐसा ही होता है, साल में कभी कभार एक बार ऐसा हो जाता है, बाकी हमेशा तो होता ही रहता है, एक आध दो घटना ऐसे होती रहती है नदी में, साल पे एक बार, साल पे एक बार जरूर हो जाता है। लेकिन अभी भी गाँव वालों का यकीन है कि हो जाए, कहीं शिवम और वो मिल जाए? मिलेंगे, मतलब लास्ट तो मिलेगी इन लोगों की, मतलब जीवित नहीं मिलेंगे ये लोग, जीवित नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो ये देखिए किस तरीके से गांव वाले हैं और गांव वालों ने साफ कहा है कि अभी तक शिवम और चिंता नाम है उनका, उनकी अभी कभी कोई खबर नहीं है। SDRF उधर ढूंढ रही है, उधर भी दिखाई दीजिए धनंजय कि किस तरीके से वहाँ पे पूरा जमघट जो लगा है वो इस वजह से है कि काश शिवम और चिंता देवी मिल जाएं। लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे दिखेगा, साथ ही आपको गाँव के लोग भी दिखेंगे। ये दर्दनाक खबर वाकई में बताते हुए बड़ी स्तब्धता हो रही है, आंसू आ रहे हैं। वजह है कि एक परिवार जब ऐसे पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए गया था और उसके साथ ऐसा हादसा हुआ, सिर्फ रिश्तेदार नहीं, पर घर वाले नहीं, बल्कि गांव के अलग अलग लोग भी इसमें शामिल हैं और हर घर में आज शायद रात का खाना नहीं बनेगा। वजह है कि इस परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ है। इस वक्त हम मदरहा घाट पर हैं, विकास खंड गोला पड़ता है, जनपद गोरखपुर के अंतर्गत आता है। और आप देखिए किस तरीके से अभी तक यहाँ पे भीड़ है, महिलाएं रो रही थी बगल में और तमाम लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे, तमाम राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। वजह है कि जिसने भी सुना वो खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ पे पूरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। SDRF की गाड़ियाँ भी उधर लगी हुई हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। अभी तो हम लोग परिवार के साथ गए थे, वीडियो में आप देख सकते हैं कि परिवार ने क्या कहा है। हालांकि अभी भी खोज जारी है, कुछ भी अपडेट होती है तो मैं आपको तुरंत बताता हूँ। बाकी आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा।